हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, ये खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है दोस्तों कि बैंक ने सस्ता दिया है अपना कर्ज, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंक ने कितना सस्ता किया है कर्ज़ और आपकी ईएमआई कितनी कम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, न्यूज़ छपी है जो कि अभी रिसेंटली आज ही की न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अनुसार देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सोमवार को अपने लेनदारों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया। बैंक ने सभी के अवधि की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर एमसीएलआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट में 0.25% की कटौती की घोषणा की है। इसके साथ ही बैंक का एक साल का एमसीएलआर रेट 7.25% से घटकर 7% रह गया है। ब्याज दरों में की गई है कमी 10 जून 2020 से प्रभावी होगी। बैंक ने एमसीएलआर में लगातार 13वीं बार कटौती की है। बैंक ने बेस रेट में भी 0.75 की कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही बैंक का बेस रेट 8.8 से घटकर 7.40 रह गया है। यह कटौती भी 10 जून 2020 से लागू होगी, इसका मतलब ये परसों से लागू होने वाली है। इसके अलावा बैंक ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेटिंग रेट EBR पर भी ब्याज दर में 0.40% की कटौती का ऐलान किया है। बैंक ने रेपो लिंक रेट में भी 0.40% का ऐलान किया है। इस तरह बैंक ने रिजर्व बैंक द्वारा हाल में रेपो रेट में की गई 0.40% की कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद बैंक का EBR 7.05% से घटकर 6.65% रह गया है। यह बदलाव का 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगी, मतलब ये अगले महीने से इफेक्ट में आएगी। वही RLLR 6.65% से घटकर 6.25% रह गया है। ब्याज दरों में की गई यह कमी 1 जून 2020 से प्रभावी होगी, मतलब ये इस टाइम लागू हो चुकी है आपका ब्याज दरों में जो कमी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया कि कितना आपका EMI का बोझ कम हो जाएगा, वो एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे आपको बताया गया, एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया। बैंक द्वारा ब्याज दरों में की गई इस कटौती के साथ लोगों के EMI बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी। बैंक ने कहा है कि 30 साल की अवधि के 25 लाख के MCLR आधारित होम लोन EMI में 421 रुपये की कमी आएगी। वहीं RLLR आधारित इसी अवधि के समान राशि के होम लोन पर EMI में 660 रुपये की कमी आएगी। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और भी आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच।